तो हे गाइस, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो गाइस। सो कैसे सभी लोग, उम्मीद करता हूँ आप सभी जो अच्छे रहेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ, मैं जो है बोट्स का 131 एयर ड्रॉप्स का एक ब्लूटूथ लिया था, तो इसका अनबॉक्सिंग करेंगे और इसका कुछ मैं 1 मंथ यूज़ किया हूँ, तो इसका मेरा क्या एक्सपीरियंस है, ये एक्चुअली लेना चाहिए या लेना चाहिए, सारा डिटेल्स आपको इसमें मैं बताऊँगा इस वीडियो में। और इसमें क्या क्या आपको इसका बेनिफिट्स है और क्या इसका बैड पॉइंट्स क्या क्या है इसका, सारे डिटेल्स इस वीडियो में आपको जो है मैं बताने वाला हूँ गाइस। सो वीडियो को एंड तक देखिए और वीडियो को स्किप मत कीजिए। तो चलिए अभी हम अनबॉक्सिंग करते हैं, उसके बाद मैं आपको इसका जो है गुड फ्यूचर क्या है और बैड फ्यूचर क्या है, आपको ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ओके, सारे आपको मैं बताऊँगा। चलिए अभी वीडियो की तरफ चलते हैं। तो गाइस, आप देख सकते हो यहाँ पे अपना जो है पार्सल आ चुका है, और मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे एक है अपना जो बोट का एयरबड्स और दूसरा जो है अपना उसका जो है कवर, बट मैं दोनों को अलग अलग परचेज़ किया था और इसका जो डिलीवरी मुझे रिसीव एक साथ में हो गया था, तो सोचा दोनों का यार अनबॉक्सिंग कर देते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे अभी फाइनली मेरा बोट का मैं अनबॉक्सिंग कर दिया हूँ, और इसका कवर निकालने के बाद इसका बॉक्स कुछ ऐसा पैकेजिंग है, बॉक्स का आप यहाँ पे पूरा देख सकते हो गाइस। अभी हम बॉक्स को ओपन करते हैं, देखते हैं अंदर और क्या क्या सब अवेलेबल है, और इस पर आप देख सकते हो इसका जो है कहाँ मैन्युफैक्चर डेट, बैक में ऐसा कुछ आपको प्रिंटिंग देखने के लिए मिल जाएगा, और ये कुछ मुझे 1200 कुछ प्राइस पड़ा था, और इसका अंदर इसका जो है मैं कवर मंगाया था एयरबड्स का, तो दोनों एक साथ में मुझे जो है रिसीव हो चुका है। आपको इस कवर भी दिखा देता हूँ ओपन करके, ये कुछ मुझे जो है 200 कुछ कॉस्ट पड़ा था डिलीवरी चार्ज के साथ, ठीक ही है 200 में, कुछ ऐसा कुछ ज़्यादा प्राइस नहीं है, और आप देख सकते हो इसका ऐसा कुछ था कवर, और इसमें एक जो है क्लिप दिया है जो आप इसको आप किधर भी होल्ड कर सकते हो आपका ईयरबड्स कवर, ओके। तो क्लिप अच्छा स्ट्रॉन्ग है, और बाकी ये जो कवर है ये अपना रबर का है। तो अभी हम चलते हैं, आप देख सकते हो इसको मैं ऐसा फिटिंग हो जाता है ये, इसको अभी हम साइड पे रखते हैं और अभी हम इसको ओपन करते हैं अपना जो है ईयरबड्स, और आपको मैं दिखाना चाहूँगा यहाँ पे अभी ओपन करके इसका पहले जो कुछ ऐसा इसका ऊपर प्लास्टिक वर्क किया गया है, फिटिंग करके लगाया गया है ताकि बॉक्स का लाइफ ज़्यादा रहे, ख़राब ना हो बॉक्स। तो काफ़ी फेकिंग यहाँ पे अच्छा करके फ्लिपकार्ट ने भेजता है, और अभी हम यहाँ पे इसको ओपन करते हैं बॉक्स को, देखते हैं अंदर क्या क्या है और बोट कंपनी है क्या क्या सब एक्सेसरीज जिसमें देता है, आपको मैं दिखाता हूँ। और वाओ, अपना फाइनली प्रोडक्ट आप देख सकते हो यहाँ पे, साइड में ये कुछ मुझे USB प्लग मिला है इस बॉक्स में, और इसमें कुछ एक्सेसरीज नहीं है, मैनुअल गाइड है, और यहाँ पे आप देख सकते हो छोटा सा केबल मिला है जो चार्जिंग करने के लिए,
बट यहाँ पे हेड नहीं आपको मिलता है, इसके लिए आपको पर्सनल हेड इसमें यूज़ करना पड़ता है। और आप देख सकते हो यहाँ पे नीचे कुछ स्टिकर है और मैनुअल गाइड है, आपको जब टाइम मिले आप आराम से पढ़ सकते हो। तो अभी फाइनली जो है आपको मैं दिखाऊंगा अपना जो प्रोडक्ट ओपन करके। इसका ऊपर भी ये चिपका हुआ था, ओके। तो आप देख सकते हो फाइनली अपना प्रोडक्ट यहाँ पे शो हो रहा है। और जैसे इसको मैं ओपन किया इसको कैप, तो यहाँ पे मेरा लाइट ऑन हो चुका है, ओके। तो यहाँ पे आपको ऐसा कुछ पर्पल कलर का जो है मैं परचेज किया था, 1200 कुछ प्राइस मेरे को पड़ा था, ओवरऑल ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे आपको दो बटन मिल जाता है कॉल रिसीव एंड करने के लिए, और यहाँ से बॉटम से आप म्यूजिक भी आप जो है प्ले कर सकते हो। ओवरऑल इसका जो है बिल्ड क्वालिटी मतलब ओके है, इतना अच्छा क्वालिटी भी नहीं है, और इसका चार्जिंग बैकअप भी ठीक है। बट आप अगर कॉल पे किसी से बात करते हो तो ये है ना प्रॉपर आपको कनेक्शन नहीं रहता है, आपको प्रॉपर इसका आवाज़ भी नहीं आता है। और आप सॉन्ग के लिए आप इसको मेरे हिसाब से ठीक है, अगर आप गाना सुन रहे हो तो उसके लिए ठीक है, अगर आप टिकटॉक वीडियो बना रहे हो वो सब। और इसमें बैस भी इतना थोड़ा कम ही आता है, और मेन तो मैं परचेज लिया था टॉकिंग के लिए और वो तो मुझे पसंद नहीं आया, इसके लिए मैं फिर इसको इतना यूज़ नहीं किया। और ओवरऑल देखे जाए तो ये मुझे इतना अच्छा नहीं लगा इस एयर ड्रॉप्स ब्लूटूथ। मेन चीज़ इसमें आप सॉन्ग के लिए आप यूज़ करना है तो आप कर सकते हो, बट कॉल के लिए इतना ये ठीक नहीं है, ओके। सो ये कुछ है, और चार्जिंग भी इसका ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं। और ये कुछ बाकी सॉन्ग्स के लिए बेस्ट है, और बाकी लाइट वेट है, इसका क्वालिटी भी इतना पुअर क्वालिटी है, इतना अच्छा क्वालिटी भी नहीं है, बाकी सब ओवरऑल ठीक है, सॉन्ग के लिए बेटर है। तो यही कुछ है, और तो यहाँ पे वीडियो एंड करते हैं गाइस। सो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बाय बाय, टेक केयर।